Hey you guys, welcome to my YouTube channel. तो आज कुछ सीन ये है कि करने वाला हूँ ऑफ रोडिंग थोड़ा ओवी स्पोर्ट्स बाइक के साथ, मतलब R15 V3 के साथ, तो ऑफ रोडिंग ट्राई किया जाए भाई साहब। ओ सामने तो पानी है, ये साइड से जाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जाने का कोशिश करूंगा मैं। ये बाप रे बहुत कीचड़ है। भाई साहब क्या नजारा है, सुकून वाला नजारा। तो अभी फिलहाल एक जगह के खोज में है हम, मतलब हमारा नौका वाला भैया जो है बाइक उड़ाने का कोशिश कर रहा है, मतलब एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए। अब थोड़ा नौका भैया का सिनेमेटिक्स लिया जाए, रखते हैं ब्रोकन एंजल को यहाँ पे। चुनाक द ब्यूटी लेके एक बार ऑफ रोडिंग करके देखते हैं कैसा लगता है। वितरी के साथ कर लिया, अभी ये वाला से ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई होगा मेरा। ओ भाई साहब कतई ही जहर, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ इसीलिए तो हमारा नौका वाला भैया इतना पेलम पाली करके चला जाता है और हम पीछे छूट जाते हैं। द सीक्रेट इज हियर। हाँ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू जुनाक, अभी लेते हैं हमारा ब्रोकन वाला एंजल, तो मिलते हैं ब्रोकन एंजल में। तो वापस आ गया ब्रोकन एंजल के साथ और अभी चलने का टाइम आ गया है वुडन ब्रिज, जो कि मतलब बहुत बड़ा है। मेरे लाइफ में इतना बड़ा वुडन ब्रिज मैं कभी नहीं देखा था, जो कि हम लोगों का घर के नज़दीक में ही है। यहाँ से लूँगा लेफ्ट और सीधा पहुँच जाऊँगा पिजुबारा की रास्ता में, वो वाला रास्ता से लेफ्ट जाने के बाद ही मिलेगा वो वाला। क्या देखती रे मियाँ, ये साइड में शायद से कोई मोटो व्लॉग करके नहीं गया होगा, क्योंकि जितना भी लोग है वो सब मतलब कैमरा में देख रहा है कि क्या है ये, हेलमेट में ये क्या लगा हुआ है, सब लोग देख रहा है। अजीब भी फील हो रहा है थोड़ा, मतलब ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, सब लोग देख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं चल जाता है। अभी काम ही कुछ ऐसा है जो करना ही पड़ेगा। ये वाला जो ब्रिज है, मतलब मैं बचपन से ये वाला रास्ता से आ चुका हूँ, तो तब से मतलब ये वाला टूटा फूटा ब्रिज टूटा फूटा ही है, ये रिपेयर नहीं हुआ आज तक। पहुँच चुका हूँ पिजुपारा में और यहाँ से 2 किलोमीटर होगा शायद, एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन 2 किलोमीटर ही होगा यहाँ से वो वाला।
तो लगभग पहुंच ही चुका हूँ, सीधा जाएंगे हम। तो पहुंच चुका हूँ वो वाला लोकेशन जो वीडियो में बात कर रहा था कि यहाँ पे कुछ ब्रिज है जो कि बहुत बड़ा है उड़न, वो वाला ये वाला है। देखिए अभी बीच में जाके हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है ये वाला ब्रिज, मतलब कितना लंबा है। और बाकी बीच में मतलब निको भैया भी बाइक चलाने के लिए गया है, वो वाला सिनेमेटिक्स भी हम आपको दिखाएंगे। और मतलब ये वाला ब्रिज जो है वाकई में बहुत ही बड़ा है, आप देखिए एक तरफा देख लीजिए, मतलब आपको उस पार तक पता ही नहीं चलेगा कि कितना लंबा है। मतलब पैदल जाने में मतलब 3-4 मिनट लग जाएगा, इतना बड़ा है। मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा होगा, आप एक्सपेक्ट करो। हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। जूम से भी काम नहीं बन रहा है, फिर भी हम आपको दिखाया, ये वाला ब्रिज दिखाने के लिए हम आपको लाए थे। जो बात करते करते 10-20% हम ब्रिज में आ गए हैं। एक दोस्त आ गया था, बात कर रहा था, और निको भैया भी आ गया, हो रहा चला के आया, इतना टाइम लगा उसको बाइक चला के इधर तक पहुंचने में। तो भाई बोलो, कुछ बोलो कि कैसा है, इतना लंबा ब्रिज है। हाँ बोलो, कितना लंबा है, क्या ही बोलो। तो ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा और ये वाला ब्रिज अच्छा लगा होगा। अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो यहाँ पे 2-3 फोटो खींच के अपलोड भी कर दूंगा और पोस्ट भी डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि 1K मुझे 1 हफ्ता में पहुँचना है। और बाकी लाइक कॉमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।